लोकप्रधानच्या बातमीची दखल घेत सुशील महिला उज्ज्वल संस्थेच्या वतीने शांतीनगर येथील नागरिकांना धान्य वाटप करण्यात आले। कोरोना या विषाणूने भारतात शिरकाव केल्याने भारतभर संचारबंदी घालण्यात आली आहे, परंतु या संचारबंदीत ज्या व्यक्तींच्या हातावर पोट आहे अशा व्यक्तींचे हाल होतानाचा पाहून लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सोलापुरातील विविध ठिकाणाहून गरजू लोकांची हाक लोकप्रधान चॅनलच्या माध्यमातून देण्यात आली होती। दरम्यान सुशील उज्ज्वल महिला बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या वतीने स्वीकारून शांतीनगर, बापूजी नगर आदी परिसरातील गरजू व गरीब लोकांना मोफत तांदूळ, गहू, डाळ, चहापत्ती, तेल पाकिट आदी संसार उपयोगी वस्तू देऊन एक प्रकारचे मदतीचा हात पुढे केला आहे। दरम्यान यावेळी सुशील उज्ज्वल महिला बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष जुलेखा मकबूल मुल्ला, सचिव रेशमा अखलाक मुल्ला, सामाजिक कार्यकर्ते मकबूल मुल्ला, एकता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दाऊद मुल्ला, अशोक वाटकर, मंजुनाथ फुलारी, कादर शेख, जावेद हंजगीकर, कृष्णा फुलारी हे उपस्थित होते। प्रभा क्रमांक 25 का सामाजिक कार्यकर्ता मकबूल बाबू साहब मुल्ला मेरा नाम। तो इस लॉकडाउन में जिसको जरूरतमंद है उसको माल अनाज जो भी है अभी तक हम देते आए हैं और भी हम आगे देने वाले हैं। दूसरी बात, बाकी सब जो बाकी के जो संस्था हैं इन सबको मेरे एक गुजारिश है तहे दिल से कि उन लोगों ने, वो भी संस्था वाले ने ऐसे गोर गरीब चाहे तो उनके हर एक एरिया के अंदर, हर एक नगर के अंदर जाके उनका घर घर जाके सर्वे करके जो ज़रूरतमंद है ऐसे लोगों को तुम्हारे संस्था के माध्यम से जो भी जितना भी हो सके उतना तुम्हारे को ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को माल देंगे तो बहुत अच्छा है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके संस्था के माध्यम से जरूर देना चाहिए। और एक ऐसा है कि प्रभा क्रमांक 25 के सभी मेरे माँ बहनें, मेरे सभी को एक गुजारिश है मेरे तरफ से कि कोरोना वायरस के इस माध्यम से बहुत बड़े यह है इसका, तो घरों में रह के सरकार शासन को भी इसकी आपके इसके तरफ से ज़रूरतमंद है तो आप मदद भी करना चाहिए। और दूसरी बात, पूरे अपने महाराष्ट्र, भारत देश, इस सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सभी ने घरों में रहकर महाराष्ट्र शासन और अपने हर एक ज़िले के, हर एक शहर के जो जिला परिषद के चाहे कलेक्टर हो, महानगर पालिका के आयुक्त हो, चाहे और भी शासकीय जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अपने लिए जितने रोड रस्ते पर रुके हुए हैं लोगों को समझा के बता रहे हैं तो उनके एक तड़प है कि आप लोगों को, नागरिक को कुछ होना नहीं चाहिए, समझदारी से उन्हें भी बता रहे हैं। तो अपना भी काम है कि अपन भी समझदारी से अपने घर में रह के शासन को, महाराष्ट्र शासन को, केंद्र शासन को सहकार कर। ताज्या बातम्यांसाठी लोकप्रधान चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।